चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों की कड़ी सुरक्षा में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव करवाए गए। सभी दलों के राष्ट्रीय नेता इस चुनाव पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भाजपा की जीत हुई, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने 16 वोटों के साथ अपनी जीत दर्ज की। वहीं आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को 12 वोट ही मिल पाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जानबूझकर 8 वोट इनवैलिड किए हैं ताकि भाजपा का मेयर बनाया जा सके। इस बात को भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी ने नकारते हुए कहा कि जब इंडिया अलायंस कामयाब नहीं हुए तो इनकी तरफ से भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद इंडिया अलायंस के पार्षदों ने नगर निगम चुनाव का बायकॉट किया, जिसके बाद भाजपा की तरफ से सीधे सीधे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपनी जीत दर्ज कराई। चंडीगढ़ से संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि ये जो इलेक्शन है फेयर होने चाहिए, इसमें कोई भी धंधाड़ी नहीं होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, पुलिस पक्ष इंतजाम होने चाहिए सभी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैसे कि हमारे 20 वोट पूरे पड़े हैं, 20 वोट पड़ने के बावजूद भी उन्होंने 8 वोट हमारी इनवैलिड करार कर दिए। और किस लिए कहिए, हमें बताया भी नहीं गया। हमने कहा हमें वोट दिखाओ, वोट भी नहीं दिखाई गई। सानू 20 वोटा पईयां सी, 8 वोटा बिना सानू दिखाए। पिछले 2 साल तो काउंटिंग एजेंट नू वोटा गिनाईयां जांदियां, दिखाईयां जांदियां। 20 विचों 8 वोटा नू, 8 वोटा इन्हां ने हो रहे हैं, ओ दुख जाए बाजी ना। 20 वोटा 12 वोटा पईयां, 8 12 तक वीडियो में साफ दिख रहा है। पहले भी हाई कोर्ट गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद घंटे मारे हैं। मीडिया अलायंस का हम ट्रेलर दिखाएंगे चंडीगढ़ में। और मैं बार बार कहता था ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। और देखो ठगा किसने, दोनों ने एक दूसरे को 12 वोटें पड़ी है। तो ये 8 वोटें जो क्रॉस हुई है वो इनके घर से हुई है, वो भाजपा के घर से नहीं हुई है, भाजपा को तो पड़ी है। तो इससे पता लगता है कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वेव चल रही है, जिसके कारण इनके अंदर जो पार्षद है वो सबों के डिस्ट्रीब कर रहे हैं।